सो इंडिया लॉस द मैच अगेंस्ट उज्बेकिस्तान। तो ग्रुप स्टेज का सेकेंड मैच था एएफसी एशिया कप का, और ये मैच 3-0 से हारा इंडिया। उसके बाद से ही लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है इंडियन फुटबॉल को लेके। मैं बोलूँगा थोड़ा और पेशेंस रखिए, मतलब इतना जल्दी होपलेस नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मैच बहुत ही गंदा हम लोगों ने हारा, 3-0 का जगह 5-0 6-0 भी हो सकता था, अगर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर अगर और दिखा देता। क्योंकि सेकेंड हाफ तो नॉर्मली और लोग कोशिश ही नहीं किया उज्बेकिस्तान की इंडियन को गोल करे, क्योंकि सम्मान दिखाया, दिस इज़ द ओनली थिंग, कि रिस्पेक्ट दिखाया, एक स्पोर्ट्स एटीट्यूड दिखाया, अच्छा दिखाया कि नहीं 3-0 इनफ टू विनिंग। हाँ, ह्यूमिलिएशन नहीं किया, बस यही है। और चीज़ ऐसा नहीं लगना चाहिए इंडियन टीम को कि हम लोगों ने सेकेंड हाफ बहुत बेहतर खेला। नहीं, आप लोगों ने बहुत बेहतर नहीं खेला, तो इम्प्रूव कर सकते हो। हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ क्रिटिकल एनालिसिस करने का अभी भी टाइम नहीं है इंडियन फुटबॉल को। अभी हम लोग सिर्फ जस्ट चलने सीखा है, दौड़ने सीखा नहीं, कम्पिटिटिव लाइन में अभी आए नहीं हम लोग। तो हम लोगों को और भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कुछ चीज़ है जो पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, जो नॉर्मली टैक्टिकल टीम ऑब्वियसली जो लोग बेहतर जानते हैं वो लोग तो पॉइंट आउट कर ही रहा है, लेकिन कुछ चीज़ जो मेरे को मैच देख के अनुभव हुआ वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला चीज़ कि इंडिविजुअल मिस्टेक अभी भी हो रहा है, तो इसमें एक चीज़ पता चलता रहता है कि हम लोगों का स्किल इम्प्रूवमेंट और चाहिए अगर इस टाइप के प्लेयर के साथ कंपटीशन करना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैं बोला था कि इंडिविजुअल मिस्टेक के कारण हम लोग गोल स्कोर कंसीड कर रहे हैं, और ये गलत है। अगर पूरा टीम मिला के हमें हरा रहा है तो वो टैक्टिकल का डिफ्रेंशिएट होगा, तो उसमें अगर हार जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल मिस्टेक के कारण अगर हम हारते हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है। कि इंडिविजुअल मिस्टेक मतलब आपका स्किल इंप्रूव और करना पड़ेगा, मतलब हम लोग जो प्लेइंग 11 खिला रहे हैं दे आर नॉट प्रॉपरली स्किलफुल, मतलब कंपटीशन वाइज। तो एक चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा कि तीनों गोल जो था नॉर्मली यही प्लेयर डिफेंड कर सकता था, थोड़ा सा वो लोगों का स्किल या तो कंसंट्रेशन बोलो। और आप लोग पता ही है फुटबॉल में डिफेंस लाइन में एक की गलती बाकी चारों को ख़राब कर देता है, तो सिंपल सी बात है। तो ये थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट आउट है मेरे हिसाब से कि सिंगुलर प्लेयर का मिस्टेक के कारण हम लोगों ने गोल संग कंसीड किया। सिंदेश जिग्नन बहुत अच्छा डिफेंडर है, लेकिन इसमें एक ऑर्थोडॉक्स टाइप का डिफेंडर है, वो डिफेंस छोड़ के और कुछ नहीं हमें प्रोवाइड कर रहा है। मैं मतलब सब सब बोल रहा है क्रिटिकल नहीं होना, मैं सिर्फ सिंगल बात बोलूँगा कि हमारे पास जो डिफेंस लाइन है दे आर नॉट कंपटीशन थ्रू, मतलब वो लोग को डिफेंस छोड़ के बाकी कुछ कहता नहीं है। थोड़ा बहुत और हमें मॉडर्न टाइप के लोग प्लेयर चाहिए होगा जो डिफेंस के साथ थोड़ा सा बॉल होल्डिंग करे, उसके बाद पास क्रिएट करे। एक ऑफेंसिव आने की तरीका, मतलब तरीका तो पता ही है लेकिन उसको यूटिलाइज करे या तो कन्वर्टेशन करे, लेकिन वो दिखता नहीं है फुल्ली। मतलब सिर्फ आप सिंपल बात है, डिफेंस लाइन के पास बॉल ज़्यादा कैरी करता है क्योंकि हम लोग लोअर रैंक टीम है और वो लोग अपर है, तो हमें ही प्रेस करेगा। तो अगर हमें अगर बॉल हमें मिलता है तो वो बॉल को किसी और को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत गलती हो रहा है। अगर अगर हमारा डिफेंस अच्छे से अगर क्रिएटिव पास नहीं क्रिएट कर पा रहा है तो बहुत गलत है। तो ये बहुत दिखा मेरे को पूरा मैच में, होल मैच में, दोनों मैच में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट। तो ये सब बहुत ही एक नोट आउट चीज़ है। इसमें मेरे को लगता भी है कि हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का चांसेस है, और हम करेंगे भी, आगे और मैच होगा और हमें इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन सिंपल बात है कि जिस माइंडसेट के साथ हम खेल रहे हैं ये माइंडसेट सही नहीं है। मतलब द पेस वी आर ग्रोइंग, मतलब हम ग्रोइंग तो हो रहे हैं, फुटबॉल ग्रो कर रहा है, सिंपल बात है, लेकिन बहुत ही पेस कम है या तो स्टैगनेंट बोल दो। क्योंकि सिंगुलर प्लेयर, एक प्लेयर जैसे सुनील छेत्री का कॉन्फिडेंस छोड़ के बाकी कोई भी ऑफेंस लाइन में किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर ऑफेंसिव लाइन में कॉन्फिडेंस की कमी है तो स्कोर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है फुटबॉल हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो स्किल भी नहीं दिखा सकता, सिंपल बात है। इंडियन एक भी प्लेयर वन ऑन वन में जीत नहीं सकता जिस कॉम्पिटिशन के साथ हम खेल रहे थे, उज्बेकिस्तान के साथ देखा। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ऐसा थोड़ी है कि ये लोग वन ऑन वन जीत ही नहीं सकता, जीत सकता है। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास कॉन्फिडेंस का कमी है। कॉन्फिडेंस जिस दिन आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको पता है, विनिंग के साथ, विनिंग करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो कैसे भी करके आपको विन या तो गोल करना पड़ेगा, अगर गोल करोगे तो क्रिएटिव भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा। और मैं यूट्यूबर नॉर्मल यूट्यूबर को रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना ज़्यादा क्रिटिकली नहीं होना, अभी भी होपलेस नहीं होना है। मैच हारे सबको पता है कि इंडिया इसको प्लेटफॉर्म मिला यही बड़ी बात है, अच्छा जगह जा रहा है, कंपटीशन खेल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ब्लेम गेम अभी चालू नहीं करना देना है, क्योंकि अभी हम ही लोग हैं कुछ जो लोग प्रमोट कर रहा है, और नहीं तो कोई और कर ही नहीं रहा है। फ्रंटलाइन मीडिया तो कभी प्रमोट ही नहीं करता इंडियन फुटबॉल। इंडिया में वो लोगों को लगता है स्पोर्ट्स एक ही है, वो भी क्रिकेट, बाकी कुछ नहीं है।
तो अभी भी हमारे पास ऐसा मतलब है नहीं कि बहुत ही बल्क जैसे लोग हैं जो प्रमोट भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। हम ही लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं या तो प्रमोट भी कर रहे हैं। तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू हमें क्रिटिसाइज थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग उस जगह में आए नहीं हैं। अभी भी हमें सिर्फ फ्लावर दो या तो अच्छे से अच्छा बात बोलो या तो मोटिवेट करो, यही करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है, ओपिनियन दे ही सकता है, मैं किसी को भला बुरा नहीं बोल रहा हूँ। सबका अपना ओपिनियन है, अपना थॉट है, अपना देखने का प्रोसेस है, एक्सप्रेस करने का भी सबका अधिकार है, तो सब एक्सप्रेस कर रहा है, तो सब अच्छा भी चीज़ है, कुछ अच्छा इनपुट दे रहा है तो अच्छी बात है। मैं जैसे कोशिश कर रहा हूँ कि मैच देखने के बाद तुरंत मैं रिव्यू नहीं करता, तुरंत रिव्यू में आपका रिस्पॉन्स बहुत गलत आता है। थोड़ा रुक के, थोड़ा समझ के, थोड़ा अपना दिमागी संतुलन को थोड़ा सा और बैलेंस करके अगर आप बोलोगे तो आपका कंपोजर तरीक़े से बात आएगा, आपको पॉजिटिव दिखेगा, नहीं तो आपको नॉर्मली रद्दी दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा। सबको पता है कि हम लोग कितना गंदा है, वो बार बार बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो नाउ क्वेश्चन एराइज कि क्या गलती हो रहा है हमसे, क्या मैनेजमेंट से गलती हो रहा है या फुटबॉलर खुद ही गलती कर रहा है, सिर्फ ओनली एक ही गलती है जो हम लोग फुटबॉलर ऑन द पिच ही कर रहा है, या बिहाइंड द फुटबॉल फील्ड भी बहुत सारा गलती हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैं कुछ पॉइंट आउट करके रखा हूँ, स्पेशली मेरे को जो लगा कि एक क्वेश्चन हेडलाइन हो रहा था कि द बेटर प्लेयर्स आर नॉट इन द फील्ड, तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ। और सबको पता है कि अगर तुम्हारा बेस्ट प्लेयर अगर प्लेइंग 11 में नहीं है तो बहुत ही अच्छा जो एक्सपेक्टेशन है उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि दे आर द नॉट गुड प्लेयर, मतलब बेस्ट प्लेयर ऑब्वियसली दे आर द गुड। तो ये चीज़ है, इसमें मेरे को सबको पता है कि इसका रीज़न क्या है। सेम टाइम में ISL मैच चल रहा है और ISL मैच में जितने जितने फ्रेंचाइजी का बढ़िया बढ़िया प्लेयर है वो लोग सबको छोड़ा नहीं होगा, ऑब्वियसली सिंपल बात है, वो लोग भी फाइनेंस के लिए है, क्लॉज के साथ रहा होगा कि आपको छोड़ नहीं सकते, तो ये सब चीज़ हुआ होगा। इतना सेक्रीफाइस कोई नहीं करेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़ा सा पैसा आने लगा हुआ है, मतलब इंडियन फुटबॉल में। आप लोगों को पता ही है कि ISL जैसा प्लेटफॉर्म भी अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, प्रॉफिट नहीं कमा रहा था, 3-4 साल 5 साल तक प्रॉफिट भी नहीं कमा रहा था, बहुत ही माइनर प्रॉफिट अभी कमा रहा है। आपको पता ही है पूरा स्टेडियम खाली रहता है, फुटबॉल कोई देखने नहीं जाता, टिकट से पैसा आता नहीं है, जो ही आता है वो मीडिया राइट के थ्रू आता है, ब्रॉडकास्टिंग से आता है, तो ब्रॉडकास्टिंग भी कम आने लग जाएगा। अगर मतलब व्यूअर कम हो जाएगा तो उसका चैनल का, चैनल बोल रहा हूँ मतलब टीम का भी ये कम हो जाएगा, इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा अगर बेहतर प्लेयर को छोड़ देगा, तो ये सब बहुत रीज़न था। तो इसमें एक क्या ही बोल सकता हूँ इस चीज़ को, कुछ भी नहीं बोल सकता इस बारे में आपको, मतलब हर किसी का अपना अपना फ़ायदा देख रहा है, देश के लिए फ़ायदा देखने से देख रहा है तो फिर इसमें छूट जा रहा है, तो बहुत ही एक डायलेमा जैसे सिचुएशन है। तो इसमें एक मैं सुधार एक ये कर सकता हूँ, हमारा ग्रास रूट प्रोग्राम और बेहतर करना होगा कि हमारे पास इतना कैपेबल प्लेयर हो जाए कि एक दो छोड़ने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हो। एग्जैक्टली जो कर रहा है जापान जैसे टीम कर रहा है, और एक तो इंडियन टीम को जापान, उज्बेकिस्तान, कोरिया ये सब टीम से कंपेयर करना नहीं चाहिए, पहले बंद कर दो ये सब कंपेरिजन, मतलब ये कंपेयर करने लायक थोड़ी है। मतलब आप लोग ऐसे एक बच्चे को एक स्मार्ट बॉय के साथ कंपेयर कर रहे हो, इंडिया एज ए फुटबॉलिंग नेशन एक छोटा सा बच्चा जैसा है, और अभी के टाइम में वर्ल्ड का फेवरेट टीम माना जाता है जैसे जापान हो गया, एशियन टीम है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दे आर नॉट सुपर पावर, ऑब्वियसली दे आर द सुपर पावर, तो कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर बहुत ही गंदा चीज़ है, इंडिया के साथ तो नहीं कंपेयर करना चाहिए, हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, हम अपना फुटबॉल को बेहतर करेंगे, बस एक चीज़ ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और सबका एक बात होता है, सिंपल सा एक क्वेश्चन सब कोई पूछता है कि 140 करोड़ लोगों में 11 प्लेयर फुटबॉल क्यों नहीं निकलता, तो इसमें बहुत बड़ा एक चीज़ है कि फाइनेंस वाला पार्ट, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि फाइनेंस बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट होता है सबके लिए, जिसमें पैसा नहीं है उसमें लोग नहीं आएगा, सिंपल बात है। और आप लोग इंडियन स्पोर्ट्स के कैटेगरी देखोगे तो प्रायोरिटी लिस्ट में इंडियन फुटबॉल 1-5 में भी नहीं आएगा, सिंपल बात है। क्रिकेट है, उसके बाद अभी बहुत ही ज़्यादा हॉट स्पोर्ट्स है आपका कबड्डी, कबड्डी आ गया होगा रैंक 2 में, उसके बाद टेनिस है, बैडमिंटन है, कितने बाद प्रायोरिटी लिस्ट में होगा, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो सिंपल चीज़ है, पैसा आएगा तभी लोग आएगा, और कोई नहीं चाहेगा, कोई पेरेंट भी नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा फुटबॉल खेले, है क्योंकि अगर लास्ट में फाइनेंस ही रुक जाएगा, पैसा ही नहीं मिलेगा स्पोर्ट्स में, तो इसमें उसमें कोई भी मोटिवेशन नहीं है, मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर सबको पता है, तो पैसा आना बहुत ज़रूरी है, तो सिंपल बात है। और एक क्रिकेट के साथ कंपैरिजन बहुत ख़राब लगता है, आप लोग सब पता है BCCI एक ऑटोनोमस बॉडी है,
और उसका फाइनेंशियल हेड खुद ही करता है। और फुटबॉल कौन चलाता है? फुटबॉल चलाता है AIFF। AIFF क्या है? गवर्नमेंट बॉडी। तो गवर्नमेंट कितना पुश करेगा? नहीं कर सकता। बार बार सेम बोलता हूँ कि इंडियन कंडीशन में स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी करके आगे ले जाना बहुत मुश्किल है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट चाहेगा भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास उतना फाइनेंस बैकअप है ही नहीं। एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास होगा, सहत स्कैम ये सब चलता रहेगा, लेकिन जानबूझ के कोई नहीं देगा। इंडिया में ऐसा नहीं कि वी आर डेवलप्ड कंट्री कि हमारे पास सब कुछ है तो हम स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं कर सकते हम, हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम है। नहीं भी होगा तो क्रिएट हो जाएगा, हर दिन क्रिएट हो जाता है इंडिया में प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट के थ्रू पुश करना, गवर्नमेंट हेल्प करेगा, ये तो आप सोचना ही बंद कर दो। जब तक इस फुटबॉल प्लेटफॉर्म को प्राइवेटाइजेशन नहीं मिलता, मेरे हिसाब मतलब कोई भी ऑटोनोमस बॉडी जो अच्छे तरीके से मेंटेन करे एग्जैक्टली जो BCCI कर रहा है क्रिकेट के लिए, तब तक इंडियन फुटबॉल उतना बेहतर नहीं होगा और उतना पेस में ग्रोथ भी नहीं होगा जो आपको लग रहा है। आर होप इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड, ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल थिंग भी है। हम हर बार होप करते हैं कि इस बार अच्छा करेगा, लेकिन नहीं करता। तो थोड़ा संभाल के मेरे हिसाब से इतना क्रिटिसाइज नहीं कर। मैं तो मेरा भी मन कर रहा था जिस तरीके से उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया परफॉर्म किया ना, सब बोलते हैं ना रद्दी, एग्जैक्टली रद्दी की तरह ही खेला। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉजिटिव देखना है कि हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यही सब देखना चाहिए। बस यही बोलना चाहता था।